जल आए खटान क्यों ज्योति सारू ज्योत्समान बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे परमाई जुग चारे हम दीन तुम जुग जुग दात सब दे दे बुझाई सब दे दे बुझाई आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज जो जल माहे जल आए खटान जो जल माहे जल आए खटाना जल आए खटाना तो ज्योति संग तो ज्योति संग ज्योत समाना जो जल माहे जल आए जो जल महे जल आए खटाना संगत एहो पावे उस स्थान ते बहुर नयावे उस स्थान ते बहुर नयावे जो जल माहे जल आए खटाना जो जल माहे जल आए खटाना तो ज्योति संग तो ज्योति संग ज्योत समाना जो जल माहे जल आए खटाना जो जल माहे जल आए खटाना
मन तन नाम रते एक रंग मन तन नाम रते एक रंग सदा बस ब्रह्म के संग सदा बसे पार ब्रह्म के संग जो जल माहे जल आए ठिकाना जो जल माहे जल आए ठिकाना तो ज्योति संग ज्योत समाना जो जल माहे जल आए ठिकाना जो जल माहे जल आए ठिकाना मिट गए गबन पाए विश्राम मिट गए गबन प्रभु के सद कुर्बान प्रभु के सद कुर्बान जो जल माहे जल आए ठिकाना जो जल माहे जल आए ठिकाना जो ज्योति संग ज्योत समाना जो जल माहे जल आए ठिकाना जल आए ठिकाना जल आए
देग मिली जय अपने देग मिली जय अपने राम प्यारे उड़ न कागा कारे 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 देख मिली जय अपने देख मिली जय अपने राम प्यारे उड़ न कागा कारे उड़ न कागा कारे कारे उड़ न कागा कारे उड़ न कागा कारे निहारे कामनी लोचन परी ले उसासा लोचन परी ले उसासा पंख निहारे कामनी लोचन परी ले उसासा लोचन परी ले उसासा पीजे पगनाख से हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा हर दर्शन की आसा उड़ न कागा कारे उड़ न कागा कारे उड़ न कागा कारे उड़ न कागा कारे देग मिली जय अपने देग मिली जय अपने राम प्यारे उड़ न कागा कारे उड़ न कागा कारे उड़ न कागा कारे उड़ न कागा कारे हर की भगत करी जय हर की भगत करी जय कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण नारायण रसना राम रीजय रसना राम रीजय वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
सतगुर दाता मेल मिलाव हो सतगुर दाता मेल मिलाव हर नाम देवो आधारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे तुम प्यारे सतगुर दाता मेल मिलाव हो सतगुर दाता मेल मिलाव हर नाम देव आधारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे बिन सतगुर से रे बता दुख लागा बिन सतगुर से रे बता दुख लागा जोग चारे परमाई जोग चारे परमाई हम दीन तुम जोग जोग दाते हम दीन तुम जोग जोग दाते सब दे दे बुझाई सब दे दे सतगुर दाता मेल मिलावो सतगुर दाता मेल मिलावो हर नाम देव आधारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे मन सामार दुबदा सहज समाने मन सामार दुबदा सहज समाने पाया नाम अपारा पाया नाम हर रस चाक मन निर्मल हुआ हर रस चाक मन निर्मल हुआ किल बिख काटन हारा
दिल देखता सतगुर दाता मेल मिलावो सतगुर दाता मेल मिलावो हर नाम देवो आधारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो शब्द मरो फिर जीवो सद ही शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरण न होई ता फिर मरण न होई अमृत नाम सदा मन मीठा अमृत नाम सदा मन मीठा सब दे पावे कोई सब दे पावे कोई अमृत नाम सद मन मीठा शब्द पावे कोई शब्द पावे कोई शब्द मरो फिर जीवो सद ही शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरण न हो अमृत नाम सदा मन मीठा अमृत नाम सदा मन मीठा शब्द पावे कोई दात दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस दे जिस पावे तिस दे नानक नाम रते सुख पाया नानक नाम रते सुख पाया डर गए जा पैसे डर गए जा पैसे सतगुर दाता मेल मिलावो सतगुर दाता मेल मिलावो हर नाम देवो आधारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे तुम प्यारे तुम प्यारे तुम प्यारे तुम प्यारे
वाहेगुरु जी की फतेह। पांच तत्व को तन रचियो, जान हो चतुर सुजान, जहते उपजे नानका, लीन ताहे मेहमा। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवा, कहो नानक ए संसार, कहो नानक फिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम की साखिया नदी।
कहाँ गए बाबा बोलते
लगन नगर एक बूंद न बरखे, नाद कहाँ जो समाना। गगन नगर एक बूंद न बरखे, नाद कहाँ जो समाना। पार ब्रह्म परमेश माधो, परमहंस लेस दाना। पार ब्रह्म परमेश माधो, परमहंस लेस जावन हारो कहाँ गयो, जिन्हें हो मंदर कीना, जिन्हें हो मंदर कीना। साखी शब्द सूरत में ही उपजे, खिंच तेज सब लीना, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पे संग तेरे, इंद्री का बल थाका, इंद्री का बल थाका। श्रवणन बिकल पे संग तेरे, इंद्री का बल थाका, इंद्री का बल थाका, इंद्री का बल थाका, इंद्री का बल थाका। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, बाबा बोलते थे। कहाँ गए बाबा बोलते थे, कहाँ गए। चरण रहे कर तर्क परे है, मुखो न नेक से बाता, मुखो न नेक से बाता। ठाके पंच दूत सब तस कर, आप अपने प्रमते, आप अपने प्रमते। थाका मन कुंजर उठाका, तेज सूत तर रमते, तेज सूत तर रमते।
पर रमते मृतक पे दसे बंद छूटे मित्र पाई सब शोरे मित्र पाई सब शोरे कैत कबीरा जो हर त्यावे जीवत बंधन तोरे जल की पीत पवन का थंबा जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा रक्त बूंद का गारा आज मास नारी को पिंजर हाड मास नारी को पिंजर पंखी बसे बेचारा पंखी बसे बेचारा पंखी बसे बेचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा
चंद उसारो नीवा। राखु कंद सारो नीवा, साढ़े तीन रात तेरी सीवा, साढ़े तीन रात तेरी सीवा। बंक बाल पाल सेरी देवी, बंक बाल पाग सिर देरी, एह तन होए को पसम की तेरी, एह तन होए को पसम की तेरी, एह तन होए को पसम की तेरी, एह तन होए को पसम की तेरी। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, ओछा जन्म हमारा। तुम सरनाग शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा, कह रविदास चमारा, कह रविदास चमारा, कह रविदास चमारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी तेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा।
अपने करहूं की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबारे, मैं क्या जानूं बाबारे। अपने करम की गत मैं क्या जानूं, अपने करम की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबारे, मैं क्या जानूं बाबारे। अपने करम नरू मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस काज सवारे, नरू मरे नर काम काज सवारे, पशु मरे दस काज सवारे, पशु मरे दस काज सवारे, पशु मरे दस काज सवारे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने करम की गत मैं क्या जानूं। हाड़ जले जैसे लकड़ी का जैसे कास का पूला, केस जले जैसे कास का पूला, हाड जले जैसे लकड़ी का पूला, केस जले का पूला, केस जले जैसे कास का पूला, हाथ जले जैसे लकड़ी का पूला, केस जले जैसे कास 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 का पूला। अपने करम की गत मैं क्या जानूं, अपने करम की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं की गत मैं क्या जानूं।
महला तीजा नंद कुंकार सत गुर प्रसाद आनंद पया मेरी मां सत गुरु मैं पाया सत गुर ता पाया सहज मन रजिया वादा राग रतन परवार करिया शब्द गावणिया शब्दों का वो हरि तेरा मन जी बसाया कह नानक नंद हुआ सत गुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला सम्राट स्वामी सोचो मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा नहीं करते करता तेरे सब किस है जिस दे सो पावे सदा सिर्फ सलाह दे नाम जिनकै मन वस्या बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे सच नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवार कर सात सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब उदार सदा कुर्बान किता गुरु को जिस दिए कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मिराया धार बाजे पंच शब्द तिनकार सुपाके कर सुपाके शब्द बाजे कलाजित करतारिया पंच जोत तुद वास की काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कैला कह नानक है सुख हो आतित कर अनहद बाद आनंद सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सर से पूरे गुरते गाणी सुनते मुनिद कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे दिन भक्त नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूर सो पावन गुरु पाणे पिता माता करत महा इस रात गुर दाई दाया खेले सगल जग चंगियाँ बुरियाँ बाटे कर्म हदूर करनी आपो आपनी खेले एक दूर जिन्नी नाम त्याया गए न सकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटे लाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम पै अरदास
समग्री तुमरे सूत्र तारी तुमते हो तो आज्ञाकारी तुमरे गात में तो तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुमरे गात में तो तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। सब सृष्ट सेवै दिन रात जियो देह कन सुनो अरदास जियो अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नहीं तिहाए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याइये जिस दिखे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरें घर नौ निज आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जियो सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हाठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख गयन दिख कीता तिना प्यारियां सचियारियां जी दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लोहाइयां चरखणियां ते चढ़े आर्यां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलो जे। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जे। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित्यावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग फते बिरत की बैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत दा रखाप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दे दार सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण नीताणियां दे तान
ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੇ ਜਾਏ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਮਾਤਾ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਕੰਡਾ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਕ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰੇ ਨਾਇਤ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਭਾਉ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਔੜਕ ਨਿਭਈ ਪ੍ਰੇਤ ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਾਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਵਸਤਰ ਬਿਸਤਰੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਆਦਿਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਸੇਵਾ ਥਾਂਏ ਪਾਉਣੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਸੇਵਾ ਥਾਂਏ ਪਾਣੀ ਦਰੋ ਘਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੈ ਉਭਰੈ ਤਿੱਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ ਸਰਬੱਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਚਉ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ
सतनाम श्री वाहे गुरु जपे। आप जी करो कृपा पावन हुक्मनामा बख्श के संगतां नू किरतार्थ करो तिस दी सिख्या अनुसार जीवन जीवन दा बल बख्शो जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सौ निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जीओ। फरीदा दरिया वै कन्ने बगुला बैठा केल करे केल करेंदे हांजनो अचिंते बाज पए तिस रब दे किला विसरिया। जो मन चित ना चिते सन सो गाली रब किया। क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए जेकर साहिब मनो ना विसुरे ता सहला मरना हो। सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जीओ। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन के अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो किछ करे स्वापे स्वामी हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत् बिस्थारा विच धातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे झगर चुकावे। हर आपे पंच तत् बिस्थारा विच धातु पंच आप पावे।
जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे झगर चुकावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग साह संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र उपदेश हैं, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण दिया राम। मरण लिखाए मंडल में आए, जो उपजियो सो बिनस है, परो आज के काल नानक हर गुण गायल है, छाड़ सगल जंजाल। ये गुरु साहिब जी के पवित्र उपदेश ये एक अटल सच्चाई है। ये उपदेश साडे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। सत्संग जी, अज असी सारे सरदारनी जसपाल कौर जो कि पिछले दिनी साडे सारयां नूं सदीवी विछोड़ा दे के अकाल पुरख के चरणा दे विच जा विराजे हन। मरना सच है, जीना झूठ है। जो भी जीव इस संसार ते आया है उसने एक दिन जाना अवश्य है। साड़ी भैन जसपाल कौर जो कि बहुत ही सहज सुभाव दे सन, बड़ा मिठ बोलड़ा सुभाव और गुरु घर दे नाल बड़ा प्रेम सी उन्हां दा। साड़ी भैन ने अपने जीवन दे विच सारियां जिम्मेवारियां नूं बड़ा ही सुचजे ढंग दे नाल निभाया। ऐसा उन्हां दा जीवन सी, अज ओह साडे विच नहीं रहे हन। सात संगत जी, एक इंसान दे जीवन दे विच तीन पड़ाव आते हैं। तीन पड़ाव, एक बचपन का, एक जवानी का, एक बुढ़ापे का। बचपन हस खेल के पढ़ाई दे विच बीत जाता है, जदों जवानी आती है तो गृहस्थ जीवन दे विच पै जाता है, अपने जिम्मेवारियां नूं निभांदा है। लेकिन जदों बुढ़ापा इंसान का आता है तो उदों एक इंसान नूं सब तो वड्डी, सब तो ज़्यादा जरूरत अपने जीवन साथी की पैंदी है। और इस उम्र दे विच साडे सत्कार योग सरदार दर्शन सिंह जी की पत्नी जसपाल कौर जी उन्हां नूं सदीवी विछोड़ा दे के चले गए हैं। परिवार वास्ते तो बहुत दुख है दी गल है, इहदे विच कोई शक नहीं। लेकिन सरदार दर्शन सिंह जी दे जीवन दे विच ये मुश्किल का समा जरूर है। लेकिन मैं आस करता हाँ कि उन्हां दे बच्चे अपनी जिम्मेवारी नूं समझदियां होया उन्हां दा ध्यान रखणगे। सरदार दर्शन सिंह जी अपनी मार्केट एसोसिएशन दे प्रधान हन, मक्खन शाह लुवाणा गुरद्वारा दे प्रधान दी सेवा कर रहे हन बहुत सुचजे ढंग नाल। सरदार दर्शन सिंह जी का निता प्रति एक नियम है कि शाम नू जदों सुखासन होंदा है तो गुरु साहब का स्वरूप अपने सिर ते लै के ते सुखासन के कमरे तक जाते हैं। ये इन्हां दा नियम है सरदार दर्शन सिंह जी का। मैं आस करता हाँ कि सरदार दर्शन सिंह जी अपने जीवन दे विच ये रूटीन बनाई रखेंगे और गुरबाणी का ओट आसरा लैणगे ता कि जो ये जीवन का जो रहिंदा पैंदा है ये सौखा बीत जाए। गुरद्वारा मक्खन शाह लुभाणा गुरद्वारे के भी प्रधान होने के नाते बहुत सोहनी बिल्डिंग की उसारी हुई है, तकरीबन कंप्लीट है। वो सहयोग दिता है साढ़े वीर महेंद्र सिंह जी, मंगू भाजी ने भी बड़ा सहयोग दिता है। सतगुर बख्शिश करे, इस तरीके दे नाल ही सेवा बख्शे
ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਤਸੰਗੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਤਸੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਚਾਓ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਵ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜੋ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।